वेलकम टू योर ओन चैनल मनीफेस्ट ट्रेडिंग। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एज अ बिगनर आपको ये कभी कभी कन्फ्यूजन रहता है कि ये कोई भी स्टॉक का प्राइस कितना भी ऊपर जा सकता है या कितना भी नीचे जा सकता है, नहीं उसका लिमिट होता है। दोस्तों इसी के बारे में हम आज ये वीडियो लेके आए हैं। लेकिन अभी तक आप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, वरना आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा जब भी हम अपना वीडियो पोस्ट करें, ताकि आप कुछ मिस ना कर पाए। दोस्तों कभी भी स्टॉक मार्केट में कभी कभी आपने देखा होगा किसी स्टॉक का प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ता है या फिर किसी स्टॉक का प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है। तो ऐसे में अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन ली है और अचानक तेज़ी से नीचे गिरने लग जाए तो उसका बहुत नुकसान हो सकता है। सिमिलरली अगर किसी ने शॉर्ट पोजीशन ली है और अचानक बहुत हैवी बाइंग होने लग गई उस स्टॉक में तो डेफिनेटली उसका नुकसान होगा। तो ऐसे बहुत लोगों का नुकसान हम रेगुलरली होता रहता है मार्केट में। इसी नुकसान को कंट्रोल करने के लिए एक हर एक स्टॉक के प्राइस में लिमिट सेट की जाती है, जिसे हम कहते हैं प्राइस बैंड। उस लिमिट में ही स्टॉक का प्राइस मूव हो सकता है एक दिन में, उससे ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो सकता, चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो। तो इस बैंड को कहते हैं प्राइस बैंड, उस रेंज को कहते हैं प्राइस बैंड। और उस प्राइस बैंड में दो हिस्से होते हैं, जिसमें एक होता है अपर बैंड और एक होता है लोअर बैंड। तो अपर बैंड को कहते हैं अपर सर्किट और लोअर बैंड को कहते हैं लोअर सर्किट। तो दोस्तों अभी प्राइस बैंड आपको समझ में आ गया, अपर सर्किट समझ में आ गया और लोअर सर्किट समझ में आ गया। अब आप सब पूछेंगे ये सर्किट ब्रेकर्स क्या है। तो सर्किट ब्रेकर दोस्तों कुछ भी नहीं है, सर्किट ब्रेकर और प्राइस बैंड दोनों सेम ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है जो सेक्टोरियल इंडेक्सेस होते हैं, जैसे कि NSE का निफ्टी होता है, BSE का सेंसेक्स होता है, या फिर कोई भी सेक्टोरियल इंडेक्सेस होते हैं जैसे कि ऑटो सेक्टर हो, फार्मा सेक्टर हो, IT सेक्टर हो, इनके जो इंडेक्सेस होते हैं उसमें जब ट्रेडिंग होती है तो उसके लिए जो लिमिट सेट की जाती है उसको कहते हैं सर्किट ब्रेकर, और जो आम स्टॉक्स में लिमिट सेट की जाती है उसको कहते हैं प्राइस बैंड। तो ये है डिफरेंसेस इन प्राइस बैंड और सर्किट ब्रेकर्स का, और आपको अपर सर्किट और लोअर सर्किट के बारे में भी बता दिया गया है। अब समझते हैं इसको ग्राफ पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन में कैसे दिखता है। ये किसी भी स्टॉक का जब हम प्राइस मूवमेंट देखें तो वो उसका लिमिट सेट की जाती है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो वो उसका सर्किट लिमिट हुआ और ये उसकी प्राइस रेंज हुई। आप यहाँ देख सकते हो ये उसकी प्राइस रेंज हुई और ये हुई अपर लिमिट और ये हुई लोअर लिमिट, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं और इसमें आपको जानना बहुत ज़रूरी है एज अ बिगनर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, इसे एंड तक देखते रहिए। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों सर्किट लिमिट जो है ये कितना लिमिट डिसाइड होता है, कैसे डिसाइड होता है, तो इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन लिमिट कितना हो सकता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एक्सचेंज द्वारा डिसाइड की जाती है, NSE और BSE द्वारा। तो इसमें ये 2% हो सकता है, 5% हो सकता है, 10%, 15% और 20%। तो ये अलग अलग है। इसके अलावा दोस्तों 2% और 5% जनरली बहुत कम देखने मिलता है, या फिर शायद पेनी स्टॉक में देखने मिलता है, और जनरली सारे स्टॉक्स में 10%, 15% और 20% का प्राइस बैंड में डिवाइड किया जाता है। तो ये एक्सचेंज द्वारा डिसाइड किया जाता है सभी स्टॉक्स पे। इसके अलावा कभी भी कोई स्टॉक अपने किसी भी सर्किट को हिट करे, चाहे अपर सर्किट हो चाहे लोअर सर्किट हो, तो इमीडिएटली ट्रेडिंग होती है स्टॉक, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कभी कभी आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं किसी स्टॉक में बट प्राइस मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो उसमें सर्किट लग गया है। इसके लिए उसमें कोई ट्रेडिंग नहीं होती, ट्रेडिंग को पूरी तरह होल्ड किया जाता है। अब ये ट्रेडिंग कितने देर के लिए होल्ड की जाती है इसको आगे समझेंगे, लेकिन जब भी होल्ड होती है तो इमीडिएटली एक प्री ओपन सेशन शुरू हो जाता है उस स्टॉक के लिए दोबारा चालू करने के लिए, ताकि उसमें क्या क्या प्राइजेस होने चाहिए वो डिसाइड करने के लिए एक प्री ओपन सेशन होता है। और एक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या सभी स्टॉक्स में ये लिमिट सेट की जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। जो भी स्टॉक्स डेरिवेटिव स्टॉक्स होते हैं जिसमें ऑप्शंस और फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उन स्टॉक्स में कोई लिमिट नहीं होती है दोस्तों। उसमें आप एक दिन में प्राइस की मूवमेंट कितने परसेंट भी हो सकती है, कोई लिमिट नहीं, कितने भी परसेंट ऊपर जा सकते हैं, कितने भी परसेंट नीचे जा सकते हैं। इसलिए हम जब भी ट्रेडिंग करें
तो हमको ये जानना ज़रूरी है हम कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो डेरिवेटिव स्टॉक्स है। तो हमको पता होगा कि इसमें कोई लिमिट नहीं है, अगर वो डेरिवेटिव स्टॉक्स नहीं है तो डेफिनेटली उसमें लिमिट होगा 10% और 15% या 20%। तो डेफिनेटली जब भी वो अपने सर्किट लेवल के आसपास प्राइस हो तो हमें सही मौका देख के उससे एग्जिट कर लेना चाहिए, या डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन आपको अगर बने रहना है तो आप बने रह सकते हो। इसके अलावा दोस्तों सर्किट लिमिट जो है किसी भी स्टॉक का जब भी वो हिट करता है तो वो दिन में मल्टीपल टाइम्स एक्सचेंज द्वारा चेंज हो सकता है। समझो 5% किसी स्टॉक का सर्किट लिमिट है, अगर उसको वो हिट कर देता है तो डेफिनेटली उसको दोबारा रिवाइज़ करके एक्सचेंज उसको रिवाइज़ करके ट्रेडिंग उसमें शुरू करा सकती है कि पहले 5% था अब 10% होगा। फिर से अगर वापस सर्किट हिट हो गया तो दोबारा उसको 15% किया जा सकता है। कितने भी बार दिन में ये चीज़ें की जा सकती है, बट ये सिर्फ एक्सचेंज द्वारा की जा सकती है। अब दोस्तों समझते हैं एग्जैक्टली होता क्या है ये प्रोसेस, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज किसी भी स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस एक दिन पहले का क्लोजिंग प्राइस लिया जाता है, उस क्लोजिंग प्राइस से लिमिट सेट की जाती है। सपोज क्लोजिंग प्राइस किसी भी एक्स वाई जेड स्टॉक का 100 रुपीज़ है और उस स्टॉक का उस सर्किट लिमिट है 10%। तो ये 10% जो है, अगर 100 रुपीज़ के प्राइस के दोनों तरफ ऊपर की तरफ हो 10% और नीचे की तरफ 10%, यानी कि 110 रुपये या और 90 रुपये, तो ये उसका एक प्राइस बैंड बन गया, उसकी एक लिमिट सेट हो गई, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब जब भी स्टॉक का प्राइस मूवमेंट होगा ट्रेडिंग के दौरान, तो जब जैसे वो अपर सर्किट को हिट करेगा तो ट्रेडिंग होगी स्टॉप, उसमें क्लियरली ट्रेडिंग में हॉल्ट लाया जाएगा। और जैसे ही ट्रेडिंग हॉल्ट लाती है तो इसका मतलब हम उसे कहते हैं कि ये इस स्टॉक ने अपर सर्किट हिट किया है। सिमिलरली जब भी कोई स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ जाता है और अपने लोअर सर्किट हिट करता है तो दोबारा होता है ट्रेडिंग हॉल्ट। तो ये ट्रेडिंग हॉल्ट जब होता है तब हम कहते हैं कि इस स्टॉक ने अपना लोअर सर्किट हिट किया है। तो इस तरीके से ये उसका एक प्राइस बैंड बन जाता है दोस्तों। उसका इस पर्टिकुलर एक्स वाई जेड स्टॉक का प्राइस बैंड जो बना है वो है 90 रुपये से 110 रुपये तक का रेंज बना है। अब दोस्तों तीन इम्पॉर्टेंट सिनारियो है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या, जो आपने अक्सर देखा होगा एज अ बिगनर। पहला सिनारियो है, कभी कभी आप देखते हैं किसी स्टॉक में मार्केट ओपन होते ही उस स्टॉक में अपर सर्किट या लोअर सर्किट लग जाता है, बराबर। इसके अलावा कुछ केसेस में आपने देखा होगा किसी स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक में कोई न्यूज़ ख़राब आ गई, कोई घपला हो गया या कोई स्कैम हो गया या फिर कोई कॉरपोरेट गवर्नेंस इश्यू आ गया, तो उसमें मतलब रेगुलरली आप देखेंगे कुछ दिनों तक मार्केट ओपन होते ही या तो अपर सर्किट या तो लोअर सर्किट रेगुलरली लगते रहेगा इमिडिएटली मार्केट ओपन होते ही, तो आप उसमें कोई ट्रेडिंग नहीं कर पाते हो। सिमिलरली फर्स्ट केस में भी आप कोई ट्रेडिंग नहीं कर पाते हो। तीसरा केस ऐसा होता है कि कभी कभी आप देखते हो किसी स्टॉक का प्राइस मूव हो रहा है, मूव होते होते अचानक उसमें सर्किट लग गया, तो उसने अपने सर्किट प्राइस को टच कर लिया तो सर्किट लग गया तो ट्रेडिंग हॉल्ट हो गई, लेकिन फिर कुछ देर बाद वापस ट्रेडिंग शुरू हो जाती है अपने उसके रिवाइज्ड सर्किट लिमिट के साथ। तो ये कैसे होता है, ये जैसे मैंने आपको बताया एक्सचेंज अब उसे रिवाइज कर देती है किसी किसी स्टॉक में। तो ये तीनों सिनारियो आपको ध्यान रखना चाहिए। इस सिनारियो में, पहले सिनारियो में ट्रेडिंग हॉल्ट हो जाती है, सेकेंड सिनारियो में ट्रेडिंग हॉल्ट हो जाती है इसमें आप ट्रेडिंग नहीं कर पाते हो, और तीसरे सिनारियो में आप ट्रेडिंग कर सकते हो क्योंकि एक्सचेंज बार बार रिवाइज करती रहती है। तो ये सिनारियो आपको समझना बहुत ज़रूरी है जब भी आप ट्रेडिंग करें। इसके अलावा दोस्तों ट्रेडिंग करने के टाइम पे जब भी सर्किट हिट होता है कोई किसी स्टॉक का, तो इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कितने टाइम के बाद दोबारा चालू होता है ये कैसे डिसाइड होता है, ये इस टेबल को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर 10% किसी स्टॉक में सर्किट लिमिट है और उस स्टॉक में अगर सर्किट हिट किया, अपर सर्किट हो या लोअर सर्किट हो, अगर वो 1 बजे के पहले करता है तो उसमें 45 मिनट्स का हॉल्ट होता है, और इमिडिएटली उसमें 45 मिनट्स के बाद दोबारा उस स्टॉक में ट्रेडिंग शुरू होगी। लेकिन जैसे ही उसमें हॉल्ट हो जाता है तो एक 15 मिनट का प्री ओपन सेशन शुरू हो जाता है। और सेम अगर 10% सर्किट लिमिट वाले स्टॉक में अगर 1 बजे के बाद और 2:30 तक
इस स्टॉक में सर्किट हिट हुआ है, चाहे अपर सर्किट हो या लोअर सर्किट हो, तो सिर्फ 15 मिनट का हॉल्ट होता है, और उस 15 मिनट के हॉल्ट में 15 मिनट का एक प्री ओपन सेशन शुरू किया जाता है वापस। और यही चीज़ अगर 2:30 या उसके बाद हुआ तो कोई हॉल्ट नहीं होता है, मार्केट चालू रहता है, और जब हॉल्ट नहीं होता तो प्री ओपन सेशन भी नहीं होता है। सिमिलरली 15% में आप देखेंगे एक बजे के पहले अगर स्टॉक मार्केट में उस पर्टिकुलर स्टॉक में अगर सर्किट हिट होता है तो 1 बजे के पहले 15% वाले में आप देख सकते हो 1 आवर 45 मिनट्स, पौने 2 घंटे का एक ब्रेक लिया जाता है, उसमें ट्रेडिंग रोक दी जाती है और 15 मिनट का प्री ओपन सेशन किया जाता है, क्योंकि इसमें 15% का बैंड लिमिट दिया हुआ था, तो बहुत ज़्यादा रेंज कवर कर चुका है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम के लिए उसमें हॉल्ट दिया गया है। अगर 1 बजे से 2:30 बजे के बीच में उस सर्किट हिट होता है तो 45 मिनट्स का हॉल्ट दिया जाता है और 15 मिनट का एक प्री ओपन सेशन दिया जाता है। अगर 2:30 या उसके बाद होता है तो पूरे एंड रिमेनिंग ऑफ द डे के लिए वो हॉल्ट किया जाता है और कोई प्री ओपन सेशन नहीं होता है। इसके अलावा 20% वाला, अगर जैसे किसी भी वक्त अगर 20% वाले स्टॉक में सर्किट हिट हो गया तो पूरे दिन के लिए ट्रेडिंग को हॉल्ट किया जाता है, सॉरी, तो जब हॉल्ट किया जाता है तो कोई उस पर प्री ओपन सेशन भी बिल्कुल नहीं होगा। तो डेफिनेटली दोस्तों, आप उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इसके कंसेप्ट समझ में आए होंगे, सर्किट के अपर सर्किट क्या होता है, लोअर सर्किट क्या होता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए, हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको आपके पास हमारे लिए कोई भी सजेशन या फीडबैक है तो ज़रूर इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। दोस्तों थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।